नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काव्यश कारेलिया और फिर से एक बार आपका नेवर गिव अप एकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं स्टैच्यू ऑफ पीस के बारे में और साथ में देखेंगे कि क्या भारत में ऐसे स्टैच्यू बनने चाहिए जिससे इंडिया को क्या बेनिफिट होने वाला है। इन सभी के बारे में सब विस्तार से चर्चा करेंगे। एंड फ्रेंड्स, आप सभी लोग मुझे काव्यश किशोर भाई कारेलिया के नाम से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि जैसे सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ भी सकते हो, जहाँ पे मैं नियमित स्वरूप से ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को शेयर करता हूँ जो आप सभी को यूजफुल होगा, ऐसे में धारणा भी करता हूँ। अब हम देखते हैं इस वीडियो के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले राजस्थान के जो मारवाड़ प्रांत है उसके पाली डिस्ट्रिक्ट में एक स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। ये स्टैच्यू ऑफ पीस किसका है तो कि ये एक जैनाचार्य आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वरी जी का स्टैच्यू ऑफ पीस बनाया गया है, जो एक बड़े जैनाचार्य संत थे, जो वहाँ पे जो जैन लोग के जो संस्थान है पाले में वहाँ पे ही उसका अनावरण हुआ है। और ये बड़े एक दार्शनिक थे जिसका टाइम पीरियड रहा होगा 1870 टू 1945 के बीच में। उसने एक बड़ी मात्रा में जैनिज्म का प्रचार और प्रसार किया और साथ में लोगों को जैन धर्म के लिए जागरूक करने की कोशिश की। और ये जो स्टैच्यू ऑफ पीस बना है उसकी हाइट करीब करीब 151 इंच होगी, यानी हम उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो करीब करीब 4 मीटर के आसपास उसकी हाइट है। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से काफ़ी छोटी मूर्ति है, किंतु जो ये आचार्य वल्लभ सुरेश्वरी का जो योगदान है जैन धर्म के प्रति, जिसने जैन धर्म का काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रचार किया, वो काफ़ी लार्ज स्केल में और बड़ा हो सकता है। और ये अष्ट धातु की बनी हुई मूर्ति है। और साथ में प्राइम मिनिस्टर ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से बोला कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया और बाद में मैं आज स्टैच्यू ऑफ पीस का भी अनावरण कर रहा हूँ। तो ये जो पाली में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण हुआ उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। किंतु अभी एक क्वेश्चन है कि हमारे देश में आप सभी को पता होगा कि काफ़ी बड़ी मात्रा में बुद्धिजीवी व्यक्तित्व वाले लोग होते, वो ऐसे क्वेश्चन उठाते कि क्या ऐसा स्टैच्यू बनाना चाहिए, इस स्टैच्यू बनाने से कि इंडिया को क्या बेनिफिट होगा, इसका जो खर्च हुआ उसको गरीबों के उत्थान और कल्याण में कन्वर्ट कर दिया होगा तो देश में से गरीबी हट जाती। किंतु फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसी बात कर रहे तो जो इसरो नाम की हमारी संस्था है उसको भी नहीं बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए ऐसी संस्था फ्रेंड्स, इसको भी हम गरीबों के लिए डिवाइड करते हैं। जो हमारा इंडियन बुद्धिजीवियों का जो माइंड है वो काफ़ी नैरो थिंकिंग है, इसको हमको ब्रॉड करना चाहिए। क्योंकि ऐसे स्टैच्यू बनाने से क्या फ़ायदा होगा, इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ेंगी। हमारे पास अभी इस वक्त पुरानी धरोहर है, हेरिटेज साइट है, जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। तो हमें हमारी कंट्री के लिए नई हेरिटेज साइट का भी अनावरण करना चाहिए, नई हेरिटेज साइट भी बनानी चाहिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में आज से करीब करीब 400 साल बाद पता चले कि भारत में ऐसे अनसंग हीरो जिसकी कहानी सभी लोगों को पता नहीं, उसको भी पता चले। इन सपोज ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वो आज से 400 साल बाद उसका क्या महत्व इम्पोर्टेंट होगा, लोग वहाँ आएंगे, सरदार पटेल के विचार विमर्श के साथ परामर्श करेंगे और उसमें से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, वो इस तरह हमारा है हेरिटेज साइट बन जाएगा। आपको मैं बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि जो संघाई कॉरपोरेशन है उसने अपनी जो हेरिटेज साइट की सूची लिस्ट करती है उसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को स्थान दे दिया है। आने वाले समय में आई होप कि जो यूनेस्को है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को ले लेगा। तो ये और एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये स्टैच्यू ऑफ स्पीच बन गया, उससे पहले आप कितने लोग ऐसे थे कि जो आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वरी को जानते थे। अब आप सभी को उसके बारे में पढ़ने की जिज्ञासा होगी, जो जैनिज्म का मेन कॉन्सेप्ट है पीस और हारमोनी पूरे दुनिया में बनी रहे उसका कॉन्सेप्ट बाहर जाएगा, बाहर के जो टूरिस्ट राजस्थान में आएंगे वो भी यहाँ घूमने आएंगे, साथ में इसके साथ जो आचार्य विजय सुरेश्वरी के विचार थे उसको लेकर अपने देश में बोलेंगे। तो इस तरह इन शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम भारत की जो सॉफ्ट पावर होगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो जो ऐसी नैरो माइंडेड सोच है उसको निकाल देना चाहिए, ऐसे कि गरीबी को लेकर नहीं बैठना चाहिए। ये भी एक डेवलपिंग का वर्क है जो फ्यूचर में काफ़ी बड़ी मात्रा में इंडिया को हेल्पफुल होगा।
आपकी बात सही है कि गरीबी हटनी चाहिए, किंतु उसको हटाने के लिए काफ़ी दूसरे रास्ते भी है, इस रास्ते पे हमने चलना चाहिए। तो इन शॉर्ट, ये जो स्टेचू इस तरह का निर्माण हो रहा है वो काफ़ी अच्छी बात है। अयोध्या में भी योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस किया है कि हम भी रामलला की 251 फीट की लंबी स्टैचू बनाने वाले हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, जिससे हमारी सनातन संस्कृति, जो हमारा धर्म है, हमारे इंडिया की जो संस्कृति है, वो भी फॉरेन कंट्री में जाएगी, फॉरेन के लोग हमारे देश के साथ कनेक्ट हो सकेंगे और हमारी संस्कृति को जानेंगे, पहचानेंगे और फ्यूचर में इंडिया एक सुपर पावर की दिशा में आगे बढ़ेगा। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, साथ में अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए, सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।